हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग फिर से आ चुके हैं एक नए प्रोजेक्ट को लेके, जहाँ पे आज हम लोग एक मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, जो कि होने वाला है मूवी रिकमेंडर सिस्टम। इस प्रोजेक्ट में हम लोग क्या करेंगे कि मतलब मूवीज़ की डेटा सेट लेंगे और उस डेटा सेट के अकॉर्डिंग हम लोग मूवीज़ रेकमेंड करेंगे। एक पर्टिकुलर मूवी के अकॉर्डिंग हम लोग मूवी यूज़र को रेकमेंड करेंगे। क्लियर? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करने से पहले पहले देख लेते हैं कि ये जो रेकमेंडर सिस्टम होते हैं, मतलब कि रेकमेंडेशन सिस्टम बनाने के लिए कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो टाइप्स के हैं। मैं ऑलरेडी दिखा देता हूँ टाइप्स ऑफ रेकमेंडर सिस्टम, क्योंकि दो टाइप्स को होते हैं, एक कंटेंट बेस्ड और एक कोलेबोरेटिव फिल्टरिंग। अब ये दोनों क्या क्या होते हैं दिखाता हूँ आप सबको। कंटेंट बेस्ड रिकमेंडर सिस्टम एंड यूजर बेस्ड कोलेबरेटिव फिल्टरिंग रिकमेंडर सिस्टम। कंटेंट बेस्ड रिकमेंडर सिस्टम में क्या होता है कि इसमें जो हमारा मॉडल होगा वो क्या करेगा, वो एक पर्टिकुलर जो भी मतलब हम लोग इनपुट करेंगे, उस सिंपल ले लेते हैं एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की जो सिमिलैरिटीज होंगी उन सिमिलैरिटीज के बेसिस पे हमें प्रोडक्ट को रेकमेंड करेगा। क्लियर? ये होता है कंटेंट बेस्ड रेगुलेटर सिस्टम में। और इन यूजर बेस्ड कोलेबरेटिव फिल्टरिंग में क्या होता है कि एक एक मतलब समझ लो सिंपल से दो यूजर हैं, इसमें यूजर के चॉइस को देखते हुए वो फिर हम जो हमारा मॉडल है वो हमें प्रोडक्ट को रेकमेंड करेगा। जैसे कि एक एक पर्सन ए है एंड एक पर्सन बी है, तो बी जो है उसे कोई प्रोडक्ट चाहिए, उसने देखा, उसने पूछा ए से कि मैं कौन सा साउंड बॉक्स लूं। तो क्या करेगा, यूजर ए अपने फेवर में मतलब कि जो उसे पसंद होगा वही क्या करेगा, वही उसे रेकमेंड करेगा कि हाँ मुझे ये पसंद है तो तुम भी ये ले सकते हो। तो क्या हुआ कि यूजर के चॉइस पे डिपेंड करता है जो हमारा मॉडल है वो प्रोडक्ट को रेकमेंड करता है, वो होता है कोलेबरेटिव फिल्टरिंग में। क्लियर? ये तो रही बात के रेकमेंडर सिस्टम में। अब बात कर लेते कि आखिरकार रेकमेंडर सिस्टम हमें ज़रूरत क्यों पड़ी है, कहाँ कहाँ यूज होता है। देखो, रेकमेंडर सिस्टम में हमें क्या होता है कि अगर हमें ऐसा कोई भी सिस्टम ना हो जो रेकमेंड कर सके, तो हमें बहुत काफ़ी सिंपल बोल सकते हैं कि थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी हमें हमारे प्रोडक्ट जो हमें डिज़ायर प्रोडक्ट चाहिए उसे फाइंड आउट करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोग को बता देता हूँ, जैसे कि ऑफलाइन, जैसे हम मान लीजिए हम लोग किसी एक शॉप पे गए, शॉप ले लेते हैं, कोई भी शॉप ले लो, आपके आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैंने ले लिया कपड़े का, तो मैं गया वहाँ पे, कुछ कुछ मतलब जो वहाँ पे शॉपकीपर है मतलब कि सेल्समैन है, मतलब उसने कुछ कपड़े दिखाए मुझे, कोई भी शर्ट जीन्स कुछ भी, तो मैंने एक उसमें से पर्टिकुलर को पसंद कर लिया। हाँ, फिर मैंने क्या हुआ, उस शॉपकीपर से बोला कि आप क्या करें, आप मुझे इसी टाइप के प्रोडक्ट को मुझे और दिखाएं। मतलब एक पर्टिकुलर मैंने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया और फिर मैंने बोला कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ही जैसा या उसी से रिलेटेड मुझे और भी जीन्स या शर्ट दिखाएं। तो ये हुआ एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सिमिलैरिटीज को मेजर करते हुए प्रोडक्ट को रेकमेंड करना। क्लियर? और ऑनलाइन में क्या होता है कि आजकल जैसे कि हम लोग अमेजोन फ्लिपकार्ट यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग जैसे ही कोई भी एक प्रोडक्ट सर्च करते हैं, जैसे वॉच हो गया, वॉच सर्च किए तो क्या होता है कि वो वॉच लिया और फिर उस वॉच के अकॉर्डिंग मतलब कि जो भी उस वॉच से रिलेटेड मतलब कि सिमिलैरिटीज होंगी वो सारे प्रोडक्ट हमें ला के तुरंत दे देता है। अगर ये सारी चीज़ें रेकमेंडर सिस्टम ना हो तो मोस्ट ऑफ द केसेस हमें ज़्यादा प्रॉब्लम होगी कि हम अपने डिज़ायर्ड आउटपुट मतलब कि जो घड़ी चाहिए, जिस टाइप की घड़ी चाहिए हमें, वो खोजने में काफ़ी टाइम लग जाएगा इंटरनेट पे। क्यों? क्योंकि इंटरनेट पे तो बहुत सारा डेटा है, बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे, पता नहीं कितने करोड़ों में प्रोडक्ट होंगे अमेजोन और फ्लिपकार्ट के। क्लियर? और एक शॉपकीपर में तो लिमिटेड ही प्रोडक्ट होते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा कम टाइम लगेगा, लेकिन ऑनलाइन हमें सर्च करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा कि हमारा जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है वो कौन सा है और मतलब कि कौन सा हम लोग बाई करें। क्लियर? तो इसीलिए रेकमेंडर सिस्टम की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, जो कि मतलब कि मोस्टली हर जगह यूज किया जाते हैं। यूट्यूब हो गया, Gaana.com, स्पॉटिफाई और क्या कहता है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, सब जगह रेकमेंडर सिस्टम यूज होते हैं।
सिंपल सी बात है, मतलब कि जो भी मतलब इनके ओनर है वो चाहते हैं कि हम जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो यूज़र तक जल्दी से जल्दी कम टाइम में पहुंच सके, मतलब कि उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम फेसेस ना करने पड़े, इसीलिए बहुत ज़्यादा काम होता है रेकमेंडेशन सिस्टम पे। क्लियर? आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। जहाँ पे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम बनाने वाले हैं। इस पे मैंने ये TMDB 5000 मूवीज डेटा सेट के, यहाँ से मैंने डेटा सेट उठा लिया। देखो यहाँ पे जिससे आप लोग आएंगे तो क्या है, यहाँ पे दो CSV फाइल है, एक movies.csv एंड सेकेंड credits.csv, दो फाइल है। दोनों फाइल को चुपचाप डाउनलोड कर लेना और एक फोल्डर में रख लेना है। बस अभी तक के लिए बस इतना ही काम करना है। क्या करना है, डाउनलोड करना है और इन दोनों CSV फाइल को एक फोल्डर में रख लेना है। फोल्डर का नाम चुपचाप मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम करके कुछ भी बना लेना, जो मतलब पसंद हो। क्लियर? आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा कि आज के मतलब कि इस प्रोजेक्ट में हम लोग क्या बनाने वाले हैं और ये होता क्या है। तो बस अब चलते हैं, चटाक से बनाते हैं अपना मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम। जहाँ पे जैसे कि आप लोग को पता होगा कि हम लोग अपने मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट या डेटा साइंस प्रोजेक्ट में क्या करते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर बिल्कुल एंड तक बनाते हैं। मतलब कि यहाँ पे क्या करेंगे, डेटा सेट लेंगे, उसे प्री प्रोसेस करेंगे, देन मॉडल मॉडल बिल्ड करेंगे, देन हम लोग उसे एक वेबसाइट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन उसे हम लोग सर्वर पे डिप्लॉय करते हैं। तो ये सारा सारा काम हम लोग करने वाले हैं। तो इस सीरीज में बहुत ज़्यादा मजा आने वाली है। तो चुपचाप करना कुछ नहीं, चुपचाप फॉलो करो, जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूँ चुपचाप वैसे करते चले जाना। आपका वेबसाइट बिल्कुल एक ऑसम वेबसाइट बन जाएगी। वेबसाइट नहीं बनाने नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैं ऐसा तरीका बताऊंगा सिंपल कॉपी पेस्ट के थ्रू, पूरी पूरी वेबसाइट एक ऑसम वेबसाइट बन के तैयार हो जाएगी। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ से हम लोग अब क्या करेंगे, इन डेटा सेट पे काम करना स्टार्ट करेंगे। तब तक थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।